माय चैनल लर्न विद ललिता। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिवीजन। ओके, एंड इसमें स्टूडेंट्स हम लेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ओके, स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8660। ओके, इफ वन नंबर इज 433, अगर उनमें से एक नंबर 433 है तो फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर हमें निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पहले हमको क्या बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 8660। ओके, तो यहां पर देखिए, ये दो नंबर है, इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट 8660। ओके, इनमें से एक नंबर है 433। ओके, ये नंबर हमको निकालना है। ओके, तो हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 433। ओके, सेकेंड नंबर क्या है पता नहीं है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। ओके, सेकेंड नंबर हम एक्स मान लेंगे। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 433। ओके, एंड इनका प्रोडक्ट क्या है, यहां पे देखेंगे 433 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 8660। ये हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बताया है कि इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 8660। ओके, ये क्वेश्चन में हमें बताया, हमें ये वाला नंबर निकालना है, तो 433 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 8660। ओके, अब देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये 433 यहाँ पे देखिए आप इक्वल्स टू का साइन है। ओके, अब जब हम इसको 433 को यहां पर लेके जाएंगे, इक्वल्स टू के राइट साइड में लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड में है अभी, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड ये है राइट हैंड साइड। ओके, जब हम इसको 433 को इस तरफ लेके जाएंगे, अब देखिए यहां पर ये 433 क्या कर रहा है, ये एक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 433x। ओके, तो यहां पर इस नंबर को हम यहां पर लेके जाएंगे। ओके, x को हम यहीं पे रहने देंगे, ये जो हमारा सेकंड नंबर, इसको हमने अभी सोचा है कि सेकंड नंबर हमारा x है। ओके, तो x हम, इसको हमने अज्यूम किया है कि x है। ओके, इसको हमें निकालना है, तो 8660। ओके, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड। ओके, क्या होगा ये चेंज, किसमें चेंज होगा ये साइन, डिवाइड में। ओके, यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस नंबर के साथ में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, डिवाइडेड बाय 433। ओके, अब एक्स इक्वल्स टू, अब देखेंगे 8660 को हम डिवाइड करेंगे 433 से, तो यहां पे कर लेते हैं 8660, इसको डिवाइड करेंगे 433 से। ओके, अब ये 1 से करेंगे तो 433 आ जाएगा, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 433 2 जा कितना होता है, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो ये कितना आ गया, 866। तो 433 2 जा कितना हो जाएगा, 866, माइनस करेंगे 0 0 आ जाएगी। ओके, ऊपर से फिर ये वाली 0 नीचे देंगे, 433 0 जा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो हमारा कितना आ गया, क्वेश्चन कितना आ गया, 20। ओके, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 20 आया, समझ में। तो ये हमारा x कितना आ गया, सेकेंड नंबर हमने क्या माना था, हमने एज्यूम किया था कि ये x है, तो x हमारा कितना आ गया, 20। ओके, अब 433 ओके
मल्टीप्लाई एक्स क्या आया हमारा 20, तो इसकी जगह पे हम एक्स की जगह पे लिख लेंगे 20। अब प्रोडक्ट कितना हो गया 8660, ये हमारा बन गया। ओके, तो सेकंड नंबर हमारा क्या आया है, सेकंड नंबर आया है हमारा, अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे सेकंड नंबर की जगह 20। ओके, जब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 8660। ओके, आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, 433 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 000, 23 + 6, 23 + 6, 24 + 8, 0668। ओके, तो ये देखिए आ गया ना आपका, जब आप इसको 433 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या आ गया 8660। ओके, तो मींस हमारा सेकंड नंबर क्या आया है हमारा 20। फाइंड द अदर नंबर, द अदर नंबर इज 20। ओके, तो 20 आ गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में क्या करना है, हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 8660। ओके, उसमें एक नंबर हमें बताया है क्वेश्चन में क्या है 433, दूसरा नंबर निकालना है। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे 433 मल्टीप्लाई बाय एक्स, हमने उसको क्या एज्यूम किया कि वो नंबर क्या है एक्स। ओके, तो 433 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 8660। ओके, अभी हमने लिखा फर्स्ट नंबर हमारा क्या है ये, सेकंड नंबर अभी पहले हमने यहाँ पे एक्स लिखा था, अब हमने इसकी वैल्यू लिख दी कि हमारा सेकंड नंबर क्या निकला है 20। ओके, 433 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, अभी हमको पता नहीं है ये क्या है। ओके, तो हमने इसका नाम क्या लिख दिया एक्स, ये हमें निकालना है। ओके, इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 8660। ओके, अब ये एक्स को यही रहने देंगे और ये 433 इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में। ओके, यहाँ पे इसके साथ में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। ओके, जब हम इस नंबर को, अभी ये यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इस नंबर को इक्वल्स टू के राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ में क्या होगा डिवाइड। ओके, ये याद रखना है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ में लेके जाएंगे तो साइन चेंज होता है, मल्टीप्लाई का साइन चेंज होता है किसमें डिवाइड में। ओके, ये यहाँ चला गया, डिवाइड हो गया। अब एक्स इक्वल्स टू, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया 20। ओके, मतलब एक्स हमारा कितना आ गया 20। 433 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 8660। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप नंबर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।